गुड मॉर्निंग दोस्तों, वार्निश के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइप, इसके कंपोजिशन, जो भी इसमें होगा डिटेल में उसको हम देखेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी पार्ट, उसके बाद उसके बारे में और उसकी कंपोजिशन। थ्योरी पार्ट में क्या बोला गया, वार्निश इज ए नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल एल्कोहल एंड टर्पिनटाइन। अब ये ऐसा है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, वार्निश इज एक सॉल्यूशन है जो सम रेजिनियस सब्सटेंस होते हैं, अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन हो गया। आपने कॉमनली कभी सुना होगा कि घर पे हम वुड के जो भी हमारा फर्नीचर होता है, जो भी चीज़ होती है वुड के, हम उसके ऊपर क्या वार्निश करते हैं, तो उससे क्या उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उसकी जो स्मूथनेस है वो भी बढ़ जाती है। तो उसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे है, रेजिन इन ऑयल एल्कोहल टर्पेंटाइन इन सब में क्या मिलाते हैं हम, जो रेजिन होता है इसको हम मिक्स करते हैं ऑयल के साथ, अल्कोहल के साथ, टर्पेंटाइन के साथ, तो इससे एक लिक्विड बनेगा जो काफ़ी शाइनी होता है, ठीक है, और स्मूथ होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, वर्निश होता है। तो इसको बनाने का प्रोसेस पता चल गया, जो रेजिन होता है वो उसको हम ऑयल में, अल्कोहल में, टर्पेंटाइन में मिक्स करते हैं। अब ये कहाँ से हमें प्राप्त मिलता है, तो हमें वुड से भी, ट्री से भी और एनिमल से भी ये हमें मिलता है। उसके बाद क्या है, द टाइप ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रेजिन यूज्ड, वही इसके ऊपर सारा डिपेंड होता है। और इसको हम मिक्स करते हैं किसमें, ऑयल में, अल्कोहल में, टर्पेंटाइन में, और हमारा फिर वो वार्निश रेडी हो जाता है। उसके बाद उसको हम वुड के लिए यूज करते हैं, और इसको हम सिर्फ वुड पर्पज के लिए ही मैक्सिमम यूज होता है इसका। द ऑयल ड्राई विद टाइम एंड द अदर सॉल्वेंट्स इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट रेजिन फिल्म ओवर द सरफेस फॉर रैपिड ड्राइंग ड्रायर सच एज। ये आपको इसने बता दिया है कौन कौन से हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुखाने के लिए भी इसको, भाई एकदम जल्दी सुखाना है तो उसके लिए ये जो हमारे सब्सटेंस है उसको हम यूज करते हैं, लीड एसिटेट और ये लिथरेज ETC आर यूज्ड। वार्निश के अंदर ना तीन ही चीज होती है, एक रेजिन, सॉल्वेंट और ड्रायर। ड्रायर का काम आपको पता है रैपिड सुखाने के लिए, सॉल्वेंट भी होते हैं, और रेजिन क्या है भाई आपको पता ही है कि वो क्या काम करेगा, पता है कैसे, कि भाई उसको जब हम ऑयल या अल्कोहल या टर्पेंटाइन में मिक्स करेंगे तो हमारा वार्निश रेडी होके प्राप्त होता है हमें। उसके बाद जो रेजिन है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि भाई वो कौन कौन से सॉल्वेंट और रेजिन है, एम्बर और कोपल गम, ये मैंने भी नहीं देखे हैं कभी, बस थ्योरी बुक्स में पढ़ा है, और एनीमी, ठीक है, ये एमनी है, एनीमी नहीं है, बोर्ड लेंस ऑयल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पेंट में आता है। उसके बाद कॉमन रेजिन होता है गम, डैमर और मैस्केटिक, टर्पेंटाइन हो गया जो हमारा, ठीक है, लैक और सेलिक एंड सैंड्रेच, ये आपके सामने हैं, थोड़े से नाम इनके डिफिकल्ट हैं प्रोनाउंसिएशन, मैथिलिएट स्प्रिट और रो कोपल एंड चीपर टाइप्स ऑफ रीजन, ठीक है, रेजिन्स, वुड, नेप्था, ये हमारे थोड़े से लो क्वालिटी के। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और क्या फंक्शन है वार्निश के करने के, ठीक है, तो सबसे पहले ब्राइटन द अपीयरेंस ऑफ द ग्रेन इन वुड, रेंडर ब्रिलियंसी टू द पेंटेड सरफेस, भाई शाइनी सरफेस हो जाएगा उसको करने के बाद, ठीक है, ब्राइट हो जाएगा एकदम, जो वुड के पार्टिकल वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव कैसे मैं ये नहीं कहूँगा एक्टिव, वो बस ज़्यादा चमकने लग जाते हैं। प्रोटेक्ट पेंटेड एटमोस्फेरिक एक्शंस, भाई धूप, गर्मी, अलग अलग तरह के वेदर होते हैं तो उससे हमारी वुड को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक और पॉइंट है, भाई ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ेगी ना, जब पेंट कर दोगे तो उसके जो वुड है हमारी उसकी लाइफ तो बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिकली, कि भाई उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई भी भाई एटमोस्फेरिक एक्शन से कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, आप वो नॉर्मली लिख सकते हैं मेंस में। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वर्निश, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आइडियल वर्निश की, देखो सबसे पहले इसका, इट्स शुड ड्राई रैपिडली एंड प्रेजेंट ए फिनिश्ड सरफेस विच इज यूनिफॉर्म इन नेचर एंड प्लेजिंग इन अपेयरेंस, भाई दिखने में अच्छा होता है, स्मूद होता है, उसको आप टच करोगे सरफेस काफ़ी स्मूद होता है, ठीक है, और ड्राई रैपिडली, भाई एकदम जल्दी सूख जाता है वर्निश मारने के बाद, कितना टाइम लगता है वार्निश आप करो लकड़ी या अपने घर में जो भी फर्नीचर है वो जल्दी सूख जाता है 2-4 घंटों में। द कलर ऑफ वार्निश शुड नॉट फेड अवे व्हेन द सरफेस इज एक्सपोज
इन एक्सपोज टू एटमोस्फेरिक एक्शन, भाई बारिश हो गई, धूप हो गई, सनलाइट, हैवी सनलाइट होगी, ठीक है, और भी भाई तरह के मौसम होते हैं, जैसे कि भी ठंडा गर्म, वो चीज़ें अलग अलग तरह की, कम गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, कम सर्दी होती है, बारिश होती है, तो उसमें क्या है, जो वार्निश का जो कलर है वो फेड नहीं होता है, ठीक है, ये बात बता दी गई यहाँ पे। द प्रोटेक्टिंग फिल्म डेवलप बाय वार्निश शुड बी टफ, हार्ड एंड ड्यूरेबल। बिल्कुल, जो लेयर उसके ऊपर जो हम पेंट करेंगे वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है, हार्ड होता है और ड्यूरेबल होता है। चलो जी, इट शुड नॉट श्रिंक और शो क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग। सूखने के बाद ना तो उसमें श्रिंक होता है और ना ही वो क्रैक शो करता है। उसके बाद है टाइप ऑफ वार्निश, कौन कौन से टाइप हैं वो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले ऑयल वार्निश, क्या बताया गया है, इट यूज लेंस ऑयल एंड टेक अबाउट 24 आवर टू ड्राई। भाई सीधी सी बात बता दी गई है कि कौन सा ऑयल यूज होगा इसमें, भाई हमें वर्निश रेडी करने के लिए क्या रीजन को उसमें या तो ऑयल में या फिर या अल्कोहल में या टर्पेंटाइन में मिक्स करना होता है, तो ऑयल में ही मैक्सिमम हम यूज करते हैं, तो कौन सा ऑयल यूज होगा ऑयल वर्निश में, देखो भाई लेंस ऑयल, और ये कहाँ से मिलेगा, ये हम अपने पेंटेड वाली जो वीडियो उसमें देख लिया होगा। ये सूखने में कितना टाइम लगाता है भाई, 24 आवर फॉर ड्राई, 24 आवर का टाइम लगता है इसको सूखने में। और उसके बाद है हार्ड रीजन सच एज एम्बर, कोपल, ETC आर यूज विच मेक्स दिस टाइप ऑफ वर्निश मोस्ट ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है ना, कि ये जो दो हमारे रेजिन है और इसको हम किस में मिक्स करते हैं, तो लिंस्ड ऑयल में, और उससे हमारा क्या वर्निश रेडी हो जाता है। उसके बाद क्या है, भी टर्पेंटाइन में भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, किसको, रेजिन्स को, मे बी यूज इन स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ थिन द वर्निश एंड ऑल्सो टू रेंडर इट वर्केबल। भाई स्मॉल वर्क के लिए हम उसको किसमें, टर्पेंटाइन में मिक्स कर सकते हैं। इफ द वर्निश इज फाउंड अनवर्केबल, स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल मे बी एडिड। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, भाई थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसके केस में हम टर्पेंटाइन ऑयल डाल के और उसको थोड़ा थिन कर लेंगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इट इज सुटेबल बोथ फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क। बिल्कुल भाई, डोर हमारे होते हैं उनके लिए भी, अंदर जो फर्नीचर होता है उसके लिए भी, बाहर भी कोई लकड़ी का काम हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिट वार्निश की, इसमें क्या है, देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले में जो हम रेजिन मिक्स कर रहे हैं किसमें, एम्बर और कोयल में, ये हमारे रेजिन है, ठीक है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसमें, ऑयल, कौन सा, लिंस्ड ऑयल में। यहाँ पे जो स्प्रिट वार्निश है उसको हम प्रीपेड कर रहे हैं, जो रेजिन है हमारे, ठीक है, वो कौन से हैं, एक लैक LAC और सिलेक, किसको, मिथाइलेटेड स्प्रिट में, समझ रहे हो आप, जो हमारा रेजिन है उसको हम मिथाइलेटेड स्प्रिट में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, स्प्रिट वार्निश। अब भाई इसमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से पॉइंट है, भाई ड्यूरेबल वाला क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट यूज रेजिन ऑफ सॉफ्ट वेराइटी सच एज लैक और सिल्क डिजोल्व इन द मिथाइलेटेड स्प्रिट। ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको पहले ही, वहां पे हम किस में, कौन से ऑयल में, लिंस्ड ऑयल में हम किसको मिक्स कर रहे थे, किसको, रेजिन को, रेजिन में कौन कौन से, एम्बर और कोपल को। यहां पे फिर क्या बात बोल रहा है कि इट ड्राई वेरी क्विकली, भाई एक तो जल्दी सूखता, ऊपर वाला क्या पूरा एक दिन ले लेता था तो वो थोड़ा लेट सूखता है, और कौन सा, ऑयल वर्निश। ये क्या है, दीज आर नॉट ड्यूरेबल, भाई इतने ड्यूरेबल नहीं है, इजीली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन, भैया वेदरिंग एक्शन, बारिश धूप से ये ज़्यादा आपके वुड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कौन से, स्प्रिट वार्निश। इसको हम इंटीरियर के केस में यूज कर सकते हैं, जो हमारा फर्नीचर होता है उसमें क्या है, मोस्टली यूज फॉर ये जो स्प्रिट वार्निश है वो यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना वेदर का इफेक्ट होता नहीं है। इसके बाद है टर्पेंटाइन वार्निश, इसके स्पेसिफिकेशन देख लो भाई, इन दिस टाइप ऑफ वार्निश गम डैमर मैस्टिक एंड रोजिन लाइक रेजिन्स आर डिजोल्व इन टर्पेंटाइन ऑयल। सिंपल सी वही कहानी कि भैया जो भी हमारे रेजिन्स हैं, ये आपके सामने नाम है, इनको टर्पेंटाइन ऑयल में मिक्स किया जाता है और हमारे पास क्या होता है, टर्पेंटाइन वार्निश। अब इसमें क्या होता है, दीज वार्निश आर लाइट इन कलर, भाई हल्के होते हैं कलर में, ठीक है,
लाइट कलर होता है इनका, दे ड्राई क्विकली और जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद है वाटर वार्निश, इसमें क्या है, इट इज सैलिक रेजिन डिजोल्व इन हॉट वाटर टू सच इनफ क्वांटिटी ऑफ इधर अमोनिया बोरेक्स और सोडा इन एडिड। भैया सिंपल सी बात है, वाटर वार्निश कैसे बनता है, हमारे जो भी रेजिन्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलिक, इसको डिजोल्व किया जाता है गर्मा गर्म पानी में हॉट वाटर में और हमारा वाटर वार्निश रेडी होता है। ठीक है, और भाई इनफ क्वांटिटी ऑफ द वाटर इधर अमोनिया बोरेक्स ये सब इसमें मिलाए जा सकते हैं। इसका काम क्या होता है, दिस वार्निश इज यूज फॉर पेंटिंग पिक्चर पोस्टर और मैप के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस वार्निश इज यूज फॉर वार्निश मैप पिक्चर पोस्टर वगैरह, उनमें हम इसका यूज करते हैं। इनका यूज इसलिए किया जाता है कि ये जो स्लैक है ये आराम से पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाए, इसलिए इन तीनों का यूज किया जाता है। उसके बाद है एस्फॉल्ट वार्निश, इसमें क्या है, बाय डिजोल्विंग मेल्टेड हार्ड एस्फॉल्ट इन लिंस्ड ऑयल विद ए थिनर सच एज टर्पेंटाइन एंड पेट्रोलियम स्प्रिट। एस्फॉल्ट जो वार्निश है वो हमारा किससे बनता है, एस्फॉल्ट को जो मेल्टेड हार्ड एस्फॉल्ट है उसको किस में मिलाया जाता है, लिंस्ड ऑयल में, और हमारा जो एस्फॉल्ट वार्निश है वो रेडी होता है। ए थिनर सच एज टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम भी मिलाए जाते हैं कि भाई पतला करने के लिए वार्निश को, गाढ़ा ज़्यादा हो ना हो तो उसको क्या है उसमें ये मिला दी जाते हैं टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम, जिससे वो थिनर हो जाता है। इट इज़ यूज ओवर सोप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क, फैब्रिकेटेड स्टील वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस वार्निश इज यूज फॉर वार्निशिंग फैब्रिकेटेड आयरन और स्टील प्रोडक्ट। उसके बाद है फ्लैट वार्निश, में क्या है, मटेरियल सच एज वैक्स मेटेलिक सोप ऑन फाइनली डिवाइडेड सिलिका व्हेन एडेड टू वार्निश प्रोड्यूस ए डल अपीयरेंस ऑन ड्राइंग। भाई ऐसा है, वार्निश के अंदर में मान लो कोई भी है तो उसमें क्या करते हैं कि इनको प्रोडक्ट को, वैक्स हो गया, मेटेलिक सोप हो गई, इनको मिलाने से उसकी एक डल अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फ्लैट वार्निश भी बोलते हैं। और भी अच्छे से समझे तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, कोई भी हमारा वार्निश है ना जो मैंने ऊपर बताया, उसमें अगर हम वैक्स हो गया, मेटेलिक सोप हो गया, फाइनली डिवाइडेड सिलिका, व्हेन इसको ऐड करते हैं वार्निश टू प्रोड्यूस ए डल अपीयरेंस, ठीक है, ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद वो क्या है थोड़ी डल सी अपीयरेंस देगा, आपको इतना साइन ही नहीं लगेगा। उसके बाद है स्पेयर वार्निश, ये क्या है, इट ड्राइव इट नेम फ्रॉम इट यूज ऑन स्पेयर्स एंड अदर पार्ट ऑफ शिप। भैया ये जो स्पेयर्स आप सुन रहे हो ना, ये शिप वाले एरिया में यूज होता है, आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज में जो बड़े बड़े रस्से होते हैं जिनसे शिप को बांधा जाता है कहाँ पे, पोर्ट पे ऊपर, तो लकड़ी के बड़े बड़े हैवी वो लगे होते हैं उनके ऊपर इसको बांध दिया जाता है, तो उस वहाँ पे ये एक्सटर्नल यूज के लिए कह लो यार, शिप के बड़े काम में हो गया वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इट गिव स्टिकी इफेक्ट, चिपकने वाला, स्टिपी पकड़ करने वाला इन वार्म वेदर एंड इट इज नॉट यूज इनडोर। भाई बाहर इसको यूज करते नहीं है मैक्सिमम, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, शिप के काम में ही होता है, वहाँ पे क्या है जो रस्सी होती है उनको स्टिक कर लेता है, बांध दिए जाते हैं तो ज़्यादा भाई पिसलने नहीं देता। ठीक है, तो इसको वहाँ पे यूज किया जाता है। और दिस वार्निश ड्राइव इट नेम फ्रॉम इट यूज, भाई बिल्कुल, इट मोस्टली यूज ऑन स्पेयर एंड अदर एक्सपोज पार्ट ऑफ शिप, भाई शिप के और जो भी पार्ट होते हैं एक्सटर्नल उन पे इसको यूज करते हैं हम। ठीक है, और भाई स्पेयर क्या होता है, थिक स्ट्रॉन्ग पोल होता है सच एज यूज फॉर ए मास्ट एंड यार्ड ऑन दी शिप। यार मैंने बताया वही चीज है, शिप के काम में ही आता है, बाहर एक्सटर्नल वर्क लगा लो जो भी वुड का होता है उसमें, और या फिर जो रस्सी होते हैं बड़े बड़े हैवी रस्से होते हैं उनसे हम शिप को बांधते हैं, कहाँ पे बांधते हैं, पोर्ट के ऊपर जो बड़े बड़े पोल लगे होते हैं ना, हैवी पोल होते हैं मोटे मोटे, उनसे रस्सों को बांध देते, तो वहाँ पे इसको पेंट किया जाता है, वो इसलिए कि वो स्टिकी हो जाए, उसको पकड़ बना ले, बस इतना समझ लो। तो ये था वार्निश के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक पेंट की वीडियो वो भी मैं डाल दूंगा थोड़े टाइम में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्डिंग मटेरियल का जो भी क्वेश्चन बनना है ना हमारा SSC JER RBJEE में, तो वो हमारा ना छूटे, लगभग सारा कवर हो जाएगा, 2 महीने में अपन सारा सिलेबस 3 महीने में कवर कर लेंगे अच्छे से।